जेन स्टैंड्स फॉर जनरेशन। इन दोनों की बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बाय एंड जेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, सबसे पहले जनरेशन को समझते हैं बहुत जल्दी। आई विल बी वेरी क्विक। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको ऑलरेडी रेड हाईलाइट कर दिया है ताकि हम सबका वक्त भी बचे। नेक्स्ट। राइट, सबसे पहला प्लान जनरेशन की खासियत ये थी, ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान था क्योंकि इनकम प्रिडिक्टेबल थी। आप अपना बिजनेस टर्नओवर देख के अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकते। कंपनी के लिए भी अच्छा था क्योंकि कंपनी को यह पता होता था कि मुझे कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन वॉज फिक्स्ड। तीसरा पॉइंट, सारी की सारी आमदनी जो होती थी ये महीने के होने वाले आपके बिजनेस, बेस्ड ऑन योर मंथली बिजनेस टर्नओवर, उसके ऊपर ही इनकम दी जाती है। हाँ, एक इसमें चैलेंज था, वो ये था कि अगर उस एक महीने में आपने अपने सारे पॉइंट्स को कॉम्पनसेशन में कन्वर्ट नहीं किया तो वो सारे पॉइंट्स फ्लश हो जाते, जिसको हम जनरली साइट मेंटेनेंस की कंडीशन कहते हैं। ये इसका एक बेसिक फीचर है जनरेशन प्लान। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एवरी मंथ। कमीशंस के लिए आप हर महीने जीरो की शुरुआत करें। अब जो एक बहुत कॉमन एट्रीब्यूट इस प्लान का वर्ल्ड वाइड बना, कॉमन एट्रीब्यूट इस प्लान के ऊपर काम करने वाली बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का, वो क्या था? वो आखिर में लिखा है, फ्यू अर्न अ लॉट एंड अ लॉट अर्न वेरी स्मॉल। कुछ लोग बहुत कमाते हैं और बहुत लोग कुछ नहीं या बहुत कुछ के बराबर ही आमदनी हासिल कर पाते। ये जनरेशन का एक फीचर। अब आप देखिए ये जो आखिरी लाइन है, अ लॉट अर्न वेरी स्मॉल, इसके कारण जब बहुत सारे लोग बहुत ही थोड़ी आमदनी ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उंठा पैदा होती है, रिवोल्ट पैदा होता है कि मैं काम कर रहा हूं, अगर नहीं करा तो मेरी आमदनी नहीं होती है। इसी कारण कुछ जानकार लोगों ने एक नया प्लान निकाला। आगे बढ़ेंगे। यस, बाइनरी प्लान दुनिया में आ गया। बाइनरी प्लान ने कोशिश की जनरेशन की हर समस्या का समाधान निकालने की। इन्होंने, अच्छा, इसकी शुरुआत हुई ही इसलिए थी क्योंकि कंडीशंस बहुत टफ होती थी। तो इसका फीचर क्या था कि इसमें बिजनेस एक्यूमुलेट होता रहता था, एक्यूमुलेट होता रहता था। जैसे मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप जनरेशन मॉडल में काम करते और अगर आपने अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा साइट का, तो वो बड़े वाले ग्रुप के होने वाले बिजनेस का आपको कमीशन पूरे जीवन कभी मिलता नहीं था। लेकिन बाइनरी ने क्या कहा, क्योंकि ये कॉमन ड्रॉबैक था तो इन्होंने उसको दूर कर दिया, कहा कि एक्यूमुलेट होता रहेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल बना दी गई। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आई कि कंपनीज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफिकल्ट, और उसको क्यों, क्योंकि लगातार ग्रुप बढ़ता चला जाता है, डेप्थ में लोग जुड़ते चले जाते हैं। उस कारण समस्या क्या हो जाती है कि कभी कभी पे आउट जो था वो कंपनी के टर्नओवर से भी ज्यादा करना पड़ जाता था। तो इसको कैसे काउंटर करें, इसके लिए अपने पैकेज की कॉस्ट को लगातार बढ़ाया जाता रहे, लगातार बढ़ाया जाता है। ये एक कॉमन फीचर होता है। एंड देन बाइनरी प्लान थोड़ा सा बदनाम भी हुआ पोजिशनल बेनिफिट्स देने के, इधर भी एक पोजीशन लगा दो, उधर भी पोजीशन लगा दो, उसके नीचे भी पोजीशन लगा दो, और कुछ लेग चला के कई पोजीशन से कमीशन उठाया जाता है। लेकिन आज की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और बीते वर्षों में हुए इंसिडेंसेस के बाद इसके प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम होता है। लेकिन फिर वही बात होती है कि जब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अगर वहां पर भी समस्या आएगी तो फिर कुछ डेवलपमेंट करने की ख्वाहिश लोगों के अंदर। एक्चुअल में इस प्लान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पॉपुलर हुई इसके। बस पैसे लगाने हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस पैसे लगाइए, दो लोगों के पैसे लगवाइए, आपको दो साल तक इतना मिलेगा। इस तरह के कुछ मॉडल्स फॉलो हुए जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई और फाइनली जन्म हुआ एक और नए मॉडल का। आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर तस्वीर में आया एक नया प्लान जिसका नाम था टू लेग जनरेशन प्लान। टू लेग जनरेशन प्लान को कहा गया कि इट्स अ मिक्स ऑफ बाइनरी एंड जनरेशन बट नॉट एंटायरली, पूरी तरीके से नहीं। क्या है, देखिए यहां पर
बहुत सारी डमी पोजीशंस, क्योंकि बाइनरी टू लेग में था तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी डमी पोजीशंस लगानी शुरू कर दी, और कई जगह पर स्पॉन्सर इनकम। क्योंकि जनरेशन का मतलब दरअसल होता क्या है, जनरेशन प्लान का मतलब क्या होता है कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने चार लोगों को स्पॉन्सर किया, ये मेरी फर्स्ट जनरेशन है, मुझे इनकी इनकम से भी कुछ आमदनी होगी। फिर उन चार लोगों ने 16 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो वो उन चार की फर्स्ट जनरेशन है और मेरे लिए सेकेंड जनरेशन, तो उनकी आमदनी से भी मुझे कुछ आमदनी हुई, फिर उनके द्वारा स्पॉन्सर किए जाने वाले लोगों से भी। ये जनरेशन बाई जनरेशन बाई जनरेशन, इसको जनरेशन बोला गया। लेकिन टू लेग बाइनरी में जनरेशन नहीं था, तो इन्होंने क्या करा कि आपने जिसको स्पॉन्सर किया उससे आपको कुछ मिलेगा, वो आपका फर्स्ट जनरेशन। फिर आपने किसी को खुद ही स्पॉन्सर किया तो फिर आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि इन्होंने जनरेशन के टूटे फूटे स्वरूप को पकड़ लिया। अब मैं उस तरफ आ रहा हूं जिसके बारे में यहां पर नहीं बताया गया, वो है कंपनीज का डिक्लेरेशन कि हम अपनी इस इनकम में इतना परसेंट देते हैं। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, द पीपल हु वर नॉट इन्फॉर्म्ड प्रॉपरली, नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली, दे अंडरस्टूड दैट जनरेशन प्लान्स मींस अ प्लान विच हैज टू हैज अ कार फंड, विच हैज टू हैज अ हाउस फंड, एंड द प्लान विच हैज टू हैज अ डिक्लेयर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ कंपनीज टर्नओवर इन ईच इनकम दैट वी विल गिव दिस परसेंटेज इन दिस इनकम, दिस परसेंटेज इन दिस इनकम। उन्होंने कहा यही जनरेशन होता है, और उन्होंने इसी को मार्केट में प्रमोट भी कर दिया, प्रोपेगेट भी कर दिया, और लोगों की यही अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो व्हाट दीज टू लाइक जनरेशन कंपनीज डिड, दे आल्सो डिड द सेम कार फंड एंड हाउस फंड, एंड देन दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग कि इस टर्नओवर में इतना परसेंट, इस टर्नओवर में इतना परसेंटेज। अब जो कॉमन फीचर इन टू लाइक जनरेशन कंपनीज का, बिकॉज दे आर बाय नेचर टू लाइक कंपनीज, तो ऑब्वियसली A day will come when there would be too much of depth, and on every single new registration they'll have to pay more number of people. How will they counter it? So what they do, they generally have less business volume on each of their product. On an average they will carry just 25-30% business volume on an average. Even on some of the healthcare products they'll have not more than 35-38% business volume. And then टू काउंटर इट, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम कम है, उसे काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, दे विल कीप अ वेरी शार्प डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड द एमआरपी। एमआरपी बहुत ज्यादा रहेगा और डीपी कम रहेगा, तो उसके वजह से होता क्या है, जो नए एम्बिशियस लोग जो नेटवर्किंग का प्लान दे करके इंडस्ट्री में आते हैं, दे एंड अप बीइंग डोर टू डोर सेल्समैन। वो नेटवर्कर्स नहीं बनते फिर, वो डोर टू डोर सेल्समैन, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के प्रोडक्ट स्टॉक करके उसको मूव कराते रहते हैं। दे बिकम डोर टू डोर रिटेल सेल्स पीपल इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेटवर्किंग लीडर्स। एंड देन टू मेनी डमी आईडीज, दे पुट इनॉर्मस प्रेशर ऑन द फैक्टर, सो द फैक्टर स्टार्ट्स टू गो डाउन। एनीवेज, नेक्स्ट स्लाइड, एक छोटा सा इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जहां पर हम लोग ये समझेंगे। यस, this is a curious case of diminishing factor. Why the factor keeps on going down and down and downward in a spiral? नीचे ही क्यों जाता रहता है? So here we have two genealogies. जो it's a very basic genealogy, assuming that 1 lakh business volume turnover is coming from each front. So the total number of matching point accrued in this structure would be 4 lakhs. Mr. F here he will get 1 lakh from these 2 lakhs matching point, aur wahan par bhi 1 lakh matching point, aur Mr. U ke paas kyunki dono equal hain to idhar se 2 mila karke 4 lakh. ab factor kaise nikalta hai, factor ka formula hota hai total turnover divided by total number of matching point, so the factor comes out to be 1. now ab sirf ek level aur aage badhenge, we have just gone one more level in this structure. वहां पर भी फैमिली पोजीशन, फैमिली पोजीशन, फैमिली 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 फैमिली, कुछ लोगों की एक्सटेंडेड फैमिलीज भी होती हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, बड़ा वृहद परिवार होता है तो उनके पास लगाने के लिए बहुत सारे पारिवारिक सीटें होती हैं, तो बहुत सारी फैमिली पोजीशंस लगी हुई हैं, और अब 4 की जगह टोटल 8 फ्रंट खुली हुई हैं। बिजनेस अब भी सबसे 1-1 लाख का ही आ रहा है, लेकिन उस परिस्थिति में टोटल टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचिंग पॉइंट, द फैक्टर कम्स डाउन टू 0.75, सिर्फ एक लेवल आगे जाने पर, अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर में पड़े।
एंड जस्ट इमेजिन कि बहुत सारी डमी आईडीज जब लगी होंगी तो फैक्टर के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो इसको काउंटर कैसे करा टू लेग जनरेशन कंपनीज ने, काउंटर तो करना पड़ेगा ना। उन्होंने काउंटर कैसे किया, फ्लशिंग, थोड़ा भी एक्स्ट्रा बचा, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हुआ तो। अब आप सोचिए कि प्रणव जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनका बिजनेस वॉल्यूम आया, राइट, यस इंडीड ही इज अ बिग लीडर, ग्रेट। तो मान लीजिए कि प्रणव जी का बिजनेस आया 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम और 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम, या चलो 5 लाख और 4 लाख, तो इनकी मैचिंग हो गई 4 लाख, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम फ्लश हो गया। लेकिन जब तक प्रणव जी अगले वीक के बीच में पहुंचेंगे तब तक उस 1 लाख से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम फिर से डल चुका होगा, तो शायद इनकी रातों की नींद उड़ेगी नहीं। लेकिन जस्ट इमेजिन देयर इज अ न्यू किड इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, न्यू किड ऑन द ब्लॉक जैसे बोलते हैं ना, नया उभरता हुआ लीडर है, उसने अभी अभी स्टार्ट करा है और उसका मैचिंग हो जाता है से फॉर एग्जाम्पल 4,500 एक ग्रुप से और 4,000 एक ग्रुप से, बिल्कुल शुरुआत पहला ही हफ्ता है, 4,500 एक ग्रुप से, 4,000 दूसरे ग्रुप से। अब मैचिंग कितनी हुई, नहीं, देर इज अ कंपनी, मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा था वहां पर सब कुछ ओके नहीं है, लोग मानते नहीं थे, आज साबित हो गया। तो खैर उस कंपनी में 2,500 और 2,500 की मैचिंग होती थी, उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। अब ये कहां से नंबर निकल के आया कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी सिस्टर कंसर्न मतलब उनको डुप्लीकेट करने वाली हर कंपनी ने यही फॉर्मूला बना दिया, भाई 2,500 सब जगह 2,500 ही चलता है। तो उन्होंने क्या करा कि 2,500 और 2,500 तो मैच कर लिया, लेकिन वो नए डिस्ट्रीब्यूटर का सेक्रीफाइस कितना हुआ, एक ग्रुप से 1,500 और दूसरे ग्रुप से 2,000 बिजनेस वॉल्यूम। देखिए कोई बड़ा लीडर अगर थोड़ा बहुत बिजनेस वॉल्यूम लूज करता है तो वो रातों की नींद उड़ेगी नहीं, लेकिन एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर जब उसको ये दिखता है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो ही विल फ्रस्ट्रेट एंड एगोनाइज ओवर द प्लान एंड पॉलिसीज, और ही विल पुट हिज ओन मनी जस्ट टू कंप्लीट द पेयरिंग, एंड विच इन मोस्ट केसेस इज प्रोबेबली मोर देन व्हाट ही गेट्स पेड ऑन दैट कमीशन। सिर्फ पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए वो पैसे डालते रहते, विच इज पॉसिबली अ वेरी बिग फ्लॉ, राइट। तो खैर फैक्टर, अब मैं जो बात कर रहा हूं कि जहां पर सब ओके नहीं था, व्हाट दे डिड कोरोना के टाइम पर उनका वो फैक्टर बहुत नीचे चला गया, तो दे इंट्रोड्यूस्ड एन एक्सटेंडेड फंड, एक और फंड इंट्रोड्यूस करा, जो कि कंपनीज करती हैं, करना भी चाहिए, अगर आपके पास है देने के लिए तो आपको छुपा के रखना नहीं चाहिए, आपको दरवाजे खोल देने चाहिए। और ये हमारी भी फिलॉसफी है कि जब हम लोग बैठते हैं प्रोडक्ट को लेकर के तो हम प्राइसिंग कितना स्क्वीज कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं, और जब बिजनेस वॉल्यूम तो कितना मैक्सिमम दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं। ये हमारी अप्रोच होती है किसी भी प्रोडक्ट को। तो उन्होंने एक्स्ट्रा फंड इंट्रोड्यूस किया सो दैट उस फैक्टर को मेंटेन कराया जा सके, बट देन अगेन 6 महीने 8 महीने कहानी चली, फिर वो फ्लॉप कर गया, और उसके बाद में फाइनली वो टू लेग जनरेशन के देवर दी टॉर्च बेयरर्स इन इंडिया, सो मच सो दैट मेनी ऑफ द प्लान कंसल्टेंट्स इन इंडिया प्रोक्लेम्ड इट टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। उन्होंने बोला टू लेग जनरेशन ही इंडिया का भविष्य है। जब हम उनसे कंसल्टेशन ले रहे थे, देयर इज अ लीडिंग एक्सपर्ट, उन्होंने कहा आप ये क्या करने जा रहे हो, ये क्या बना रहे हो आप, टू लेग जनरेशन भविष्य है इंडिया का, टू लेग जनरेशन। और मुझे तो लगता है कि उनकी बातों की गूंज खत्म भी नहीं हुई होगी उससे पहले 2 लेग जनरेशन 4 लेग बन गया। वो 2 का उन्होंने 4 में कन्वर्ट कर दिया। सी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्लान बदल देना गलत होता है, नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर आपके पास कुछ और बेहतर देने के लिए है तो बदलाव हमेशा कर देना चाहिए अगर कुछ बेहतर कर पाने के लिए आपके पास है, बट एट द कोर यू हैव टू कीप द डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरेस्ट इन माइंड कि उनको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आज एक कंपनी के साथ ऐसा हुआ, उस मॉडल पे काम करने वाली जितनी भी कंपनी, अब उसी कंसल्टेंट की भाषा सुनिए, सेम कंसल्टेंट जो पहले ये कह रहे थे कि 2 लेग जनरेशन इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, अब उसी सेम कंसल्टेंट का लैंग्वेज क्या है कि जो भी कंपनी उस मॉडल पे चल रही है सबका वही होना है। देखिए, वी हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइंस,
साइंस गिव्स अस द पावर टू एनालाइज थिंग्स. आप चीजों को एनालाइज कर पाते हो कि यू हैव टू हैव दैट रेडिकल माइंडसेट टू आस्क क्वेश्चंस. ऐसा है तो आखिर क्यों है? तो उनके पास में जवाब नहीं थे और उनका एक ही जवाब होता था, बस ऐसा ही है. और उनको ये स्ट्रक्चर नहीं समझ आया. उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है. तो अब ये बात हमें भी मालूम थी कि अगर ऐसे चलेगा तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे. सो वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लबिंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स टुगेदर, कि बाइनरी और जनरेशन दोनों को साथ लेकर के कैसे कुछ अच्छा बनाया जा सके, जिसमें कि अब आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो द सॉल्यूशन वाज टू हैव अ प्लान वेयर डिस्ट्रीब्यूटर कैन प्रेडिक्ट हिज और आवर इनकम, कंपनी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा था कि फैक्टर की डिसेंट स्टेबिलिटी को, क्योंकि देखिए यही चैलेंजेस तो समझ में आए हमें. बेसिक प्लान, कमीशन प्लान, कंपनसेशन प्लान, चैलेंजेस क्या हैं? वो यही हैं. एक अच्छे प्लान में एक तो इनकम प्रेडिक्शन आसान होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि मैंने इतना बिजनेस किया तो मेरा इतना कमीशन चेक आना चाहिए. वो दूसरा, फैक्टर की स्टेबिलिटी ठीक ठाक हो. दूसरी बात कि जहां पर हर एक लेग, ये हमारा ऐसा सोचना था कि हर एक लेग ओपन करने पर एक एक्स्ट्रा डेप मिलनी चाहिए. ये क्या कंडीशन हुई कि तीन के बाद पांच करो या चार के बाद छह करो, छह के बाद आठ करो? ये कैसी सोच है? मैं मेहनत तो नई लेग ओपन करने में भी उतनी कर रहा हूं, तो हर एक लेग पे एक नई डेप्थ मुझे आ जानी चाहिए. ये इस तरह की सोच होनी चाहिए. फिर मेंटेनेंस और अचीवमेंट की कंडीशन एक्सट्रीमली टफ नहीं होनी चाहिए. और देयर हैज टू बी बेसिक सर्वाइवल इनकम, बिकॉज इन जनरेशन प्लान फ्यू अर्न टू मच एंड टू मैनी अर्न वेरी फ्यू. ये क्यों होता है? क्योंकि साइड मेंटेन नहीं कर पाते सब लोग. तो कहीं ना कहीं हमें दोनों ही लोगों का ध्यान रखना है. उनका तो ध्यान रखना ही है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं. उनके लिए तो आसमान खुला होना ही चाहिए. साथ ही साथ जो उड़ते उड़ते कभी कमजोरी आ जाए, तो ऐसा ना हो कि जब नीचे की तरफ जाएं तो वो नीचे फर्श से टकरा जाए. तो उनके लिए एक बेसिक सर्वाइवल इनकम का एग्जिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी होना चाहिए प्लान के अंदर. देन जनरली देखिए लीडरशिप कैसे आती है. लीडरशिप जो आती है ना, वो आती है जब आप ग्रुप को विड्थ में डेवलप करना स्टार्ट करते हो. द ब्यूटी ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन योर ओन जीनियोलॉजी एट द सेम टाइम इज इट गिव्स यू एन अट्रैक्टिव डायनामिज्म इन द वे यू थिंक एंड लुक एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, वहां पर आपके पास में 200 लोग हैं, वहां आप अलग तरीके से काम करो. और आपने एक नया ग्रुप बनाया जहां भी सिर्फ दो ही लोग हैं, वहां आप अलग तरीके से काम करते. साइमल्टेनियसली काम करने से फायदा यह होता है कि जब मैं उस दो ग्रुप वाले लेग पे काम कर रहा हूं, तो जब 200 ग्रुप वाले किसी टीम के किसी ऐसे बच्चे का मेरे पास फोन आएगा जिसके पास 5-7-8 लोग हैं, तो मैं उसको बता सकता हूं कि आपका भविष्य क्या होने वाला है, क्या चुनौतियां आने वाली और कैसे करना चाहिए आप. एक सीनियर लीडर को हमेशा जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है. अजय देवगन बनना सही नहीं कि बस एक लेग इधर से दूसरी लेग इधर से और दो मोटरसाइकिल पे पैर जमा के चलना, वो करना जरूरी नहीं है. आपका बहुत जरूरी है कि आप सभी लीडर्स, इनफैक्ट जो फ्रंट रो में बैठे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है. हम सबके पास में एक या दो बडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा होनी चाहिए, जहां पर हम उनके साथ ग्राउंड पे डिस्कशंस करते हो, रिटेलिंग के डिस्कशंस करते हो, हम इनविटेशन के डिस्कशंस करते हो. अदरवाइज जो एक बड़ा ग्रुप होता है, वहां पर डिस्कशंस कैसे होते हैं? वहां पर डिस्कशंस फिलोसॉफिकल बातें होती हैं, मेडिटेटिव डिस्कशंस होते हैं, वो बिजनेस वाले डिस्कशंस नहीं रह जाते. लेकिन जब आप एक नया ग्रुप बनाते हो, तो वहां पर एक्चुअल इनविटेशन में ये बोलना चाहिए, फॉलोअप में वो बोलना चाहिए. अरे मजा तो उसी में आता है, यस और नो? फॉलोअप में कितना मजा आता है. लेकिन आपके पास जब एक जमा जमाया ग्रुप है, वो आपको फॉलोअप के लिए थोड़ी बुलाएंगे. सर बस आशीर्वाद चाहिए, आप आशीर्वाद देने आ जाइए. तो बस आशीर्वाद देने के लिए बुलाएंगे आप. लेकिन जब मजा कब आता है कि उस ग्रुप में बड़ी मीटिंग देके निकले और फिर बाहर जाकर के दो लोगों का फॉलोअप कर रहे हो रोड पे खड़े होकर के. ट्रस्ट मी, इससे बेहतर और कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है आपके उन बड़े ग्रुप के लोगों के. क्योंकि एक ग्रुप में मैं वेन्यू देके निकला हूं 200 लोगों की, 500 लोगों की, ऑडिटोरियम से बाहर निकल के वहीं गेट के पास खड़ा हुआ हूं और मैं दो लोगों का फॉलोअप कर रहा हूं, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है. क्या कहते हैं लीडरशिप? क्या है? लीडिंग बाय एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल होता है. प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, फॉलोअप कर रहा हूं,
ये लीडिंग बाय एग्जांपल होता है। अरे कभी कभी बड़े लीडर को भी गाड़ी छोड़ के बस में ट्रेवल करना चाहिए। आपको मालूम नहीं कितने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। इट्स सो हैपेंड, आज से कुछ साल पहले की बात है, गुंटूर एक जगह है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गुंटूर नियर विजयवाड़ा। सो आई वॉज एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर एन एसोसिएट टू कम एंड पिक मी अप। सो आई जस्ट डिसाइडेड लेट मी गो इनसाइड एंड वेट फॉर हिम। वक्त लगने वाला था, मैं अंदर बैठ गया वहां जाकर। एंड देयर वॉज दिस गाय हु वॉज यू नो ही हैड अ डायरी ओपन्ड अप और डायरी में वो किसी को कुछ समझा रहे थे। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि कुछ बातें चल रही हैं। तो अब इतना अनुभव होता है तो आप तो समझ जाते हो कि, तो समझ में तो आ ही गया कि ये, तो वो उनको कुछ समझा रहे थे। तो मैंने ऐसे ही कहा एक्सक्यूज मी, बोले यस। मैंने कहा कि आप कुछ स्टार्टअप वगैरह करते हो क्या? तो बोले कि यस सर, सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टअप ही है, हम लोग उस पर काम करते हैं। वाओ, हमारे देश को आप जैसे यंगस्टर्स की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी देखने में मैं थोड़ा सा सीनियर तो लगता ही हूँ। तो मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा हमारे देश को आप जैसे यंगस्टर्स की जरूरत है। तो वो तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, हम लोग कुछ कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कुछ करना है देश के लिए, ये वो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उनके बारे में पूछा आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करता हूँ और मैंने अभी अभी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी परचेज की है। वो तुरंत मोबाइल निकाल के फोटो दिखाने लगे। फिर मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि, फिर मेरे बारे में पूछा आप यहाँ पे। मैंने कहा मैं एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। तो कहने लगे कि बहुत अच्छा है सर, ये बहुत अच्छे हैं। और फिर इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने उनके साथ जो बैठे थे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अंदर से दिल बहुत खुश हो रहा था कि इंडस्ट्री में कितने अच्छे यंगस्टर्स हैं जो क्रेडिट लेने के बजाय क्रेडिट देने में विश्वास रखते हैं। देखिए दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती है, क्रेडिट देना आना चाहिए, क्रेडिट लेने के पीछे मत भागिए। गिवर्स विल ऑलवेज रिसीव मोर देन टेकर्स। जो देने वाले होते हैं उनको ऊपर वाला और अधिक घुमा के देता है। तो बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर वो उनको, उन्होंने बोला सी ऑफ किया, फिर मेरे साथ बैठ गए, बात करने लगे। फिर धीरे धीरे करके बातें इंडस्ट्री की हो रही। फिर उन्होंने, फिर मैंने कहा कि आप वो काम करते हो क्या, कुछ चेन बनाने वाला? तो कहा नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली में मिसकंसेप्शन है लोगों की। मैंने कहा क्या मिसकंसेप्शन? उसमें मेंबर ही तो जोड़ने होते हैं, वो एजेंट बनाते हैं, वो फिर उसको जोड़ते हैं, यही तो होता है वो सब। तो फिर उन्होंने समझाना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मीटिंग्स की फोटोज दिखाने लगे। फिर उन्होंने मुझे भूपेंद्र जी के बारे में बताया कि फिर फोटो वोटो भी दिखाई, भूपेंद्र जी की फोटो वोटो भी दिखाई, आमदनी वगैरह भी बताई, बताया कि इन्होंने BMW भी खरीदी है और देखिए कितने यंग हैं। और मैंने कहा वाह। तो जब भूपेंद्र जी की फोटो देखी तो फिर लगा कि ये तो फिर अपने ही परिवार के हैं। तो खैर मैंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया, मतलब ऐसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही चलता रहा। तो फिर वो कहने लगे कि ये देखिए भूपेंद्र जी की कोई फोटो थी ऐसे हाथ वात रख के BMW पे। तो मैंने कहा तो सब किराए की होती हैं और वो फोटो खिंचवा लेते हैं, वो कौन सी सच्ची थोड़ी होती है, किराए की होती है। तो मतलब आप ये समझो कि आई रियली एंजॉयड हैविंग दैट डिस्कशन विद हिम। मतलब जो बेसिक डाउट्स नहीं पूछते लोग, वो सब मैं पूछ रहा था उनसे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ब्रिमिंग विद जॉय एंड एनर्जी। और फिर उन्होंने मेरा फोन नंबर भी मांगा। मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था देने में कि मैं ना लो मत लो। तो कह रहे आपका नंबर दीजिए और मैं आपसे कॉन्टैक्ट में रहूँगा, टच में रहूँगा। तो पहले तो मैं मना कर दिया। मैं कहा नहीं नहीं, मैं अपना नंबर देता नहीं हूँ एक्चुअली। अरे सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं वो स्ट्रेंजर नहीं हूँ जो मम्मी दूर रहने को बोलती है, ऐसे डायलॉग बोला उन्होंने। फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप ले लो, चलो नंबर लिख लो। मैंने नंबर दे दिया। फिर कहना अपना नाम बताइए, फोटो भी खींची। मैंने कहने के फोटो खींचता हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं अपने सीनियर को बताऊँगा आज आप मिले थे। मैंने कहा अच्छा। फिर वो कहने लगे कि आप फोटो भी खिंचवा लीजिए। फोटो भी खींच ली उन्होंने। फिर फोन नंबर का नाम मांगने लगे कि अपना नाम बताइए, मैं सेव करता हूँ। अब मैं थोड़ा सोचने लगा कि मैं गलत नाम बोलूंगा तो फिर तो गलत ही हो जाएगा। बोला आप एक काम करो, फ्रेंड लिख के सेव कर लो। तो मैंने अपना नंबर हकीकत में फ्रेंड लिख करके ही उनको सेव करवाया। वो पूछते रहे नाम क्या है, नाम क्या, मैंने नाम ही बताया, फ्रेंड लिख के सेव कराया। कहने मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, मैं अपने सीनियर को जरूर बताऊंगा। आज बैंगलोर में हमारा नेटवर्क है, बैंगलोर की टीम से थे, तो उन्होंने किसी को बताया होगा। तो फिर उन्होंने बोला होगा कि अरे वो तो वो वाले सर थे, आप उनको मिले थे। तब तक मैं निकल चुका था। फिर उनका 5 बारी फोन आया कि सर आपने बताया क्यों नहीं, आपने बताया क्यों नहीं, और ये मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। मतलब यू नो लाइफ विल गिव यू दिस इज। अब आप ये बताइए, ट्रस्ट मी दिस कुड नॉट हैव हैपेंड
if I would have restricted myself to only a particular set of leaders in my organization. I love meeting new people, I love talking to more people. You know, आपको लगता होगा मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत वक्त है. मैं स्टोरीज भी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मैं आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ. आप कैसे आए इस बिजनेस में, आपकी स्टोरी क्या, क्योंकि वहीं से बहुत सारे लाइफ सिचुएशंस फेस करने को मिलती हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हो, फिर आप अपनी मीटिंग में जब बातें बोलते हो तो उस वो बातें फिर किताबी ज्ञान नहीं लगती. डोंट बी अ बुकिश लीडर कि बुक में पढ़ के कंटेंट नोट करके लाया हूँ, आज मैं पूरा घोल के पिला के जाने वाला हूँ. डोंट बी अ बुकिश लीडर, बी अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. एंड हाउ विल द एक्सपीरियंसेस कम इफ यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ टू वन और टू ग्रुप्स. ओपन अप न्यू लेग्स एंड देन आपकी कंपनी तो ऑफर करती है नया लेग ओपन करने पर एक नई अपॉर्चुनिटी, जो आपने अपनी छोटी सी टीम बनाई है वहां से एक एक्स्ट्रा डेप्थ से एक्स्ट्रा कमीशन लेने की, राइट. एनीवेज, तो ये एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पर सिस्टम टेक केयर करे आपके और आपके डिस्ट्रीब्यूटर के रिटेल बिजनेस का, राइट. क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक हैं, लेकिन जब आपकी कंपनी ने अप्लाई किया तो जैसे क्रांति ही आ गई. बहुत बेसिक चीजें, प्रिफर्ड कस्टमर का कॉन्सेप्ट, सीपी माइनस डीपी का ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में चले जाना, या रेप्लिकेटेड वेबसाइट का होना, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स. बट देन अगेन पीपल थिंक कि हमने पहले क्यों नहीं सोचा इस बारे में. वो इसलिए नहीं सोचा क्योंकि आप हमेशा मैनेजमेंट में थे, आप कभी डिस्ट्रीब्यूटर थे ही नहीं. हमने 14 साल एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम किया, हमें पता है क्या चैलेंजेस हैं. और जो हमारे सपनों में हमने सोचा था कंपनी वैसी होनी चाहिए, आपकी विंजारा को हम वैसी ही कंपनी बनाएंगे. ये हमारा लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम.